श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नारायण नमस्कृतम नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीरियेत। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आज के प्रवचन प्रसंग में आप भक्तजन भगवान श्री परशुराम जी के अवतार की कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी ने अपने पद में भगवान परशुराम जी की कथा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सूरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार परशुराम जी का अवतार हुआ उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सूर्यवंश में सहस्रबाहु राजा हुआ है। एक दिन वह नदी के किनारे गया। अपनी भुजाओं के बल से उन्होंने नदी की धारा को पकड़ लिया। नदी का जल उल्टा बहने लगा। यह देखकर वहीं पास में स्थित रावण ने कहा कि हे राजा, तुम मुझसे युद्ध करो। उसने कहा, मध्याह्न के बीतने पर युद्ध करूंगा। किंतु क्रोध से भरा हुआ रावण आ गया। उन्होंने युद्ध करना चाहा, तब सहस्रबाहु ने उसको पकड़ लिया। फिर मध्याह्न के उपरांत उसको छोड़ दिया। फिर राजा सहस्रबाहु जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर आया। वह ऋषि की कामधेनु को बलपूर्वक लेकर चला गया। बाद में जब परशुराम जी आए और उन्होंने उसका यह समाचार पाया, तो वे तुरंत ही दौड़ कर गए और उन्होंने उस राजा को मार डाला। बाद में जब परशुराम जी बाहर गए थे, तब सहस्रबाहु के पुत्रों ने ऋषि यमदग्नि को मार डाला। परशुराम जी की माता रेणुका ने उन्हें बुलाया। परशुराम ने यह सब सुनकर पिता का बदला लेने के लिए क्षत्रियों को 21 बार मार डाला। इस प्रकार परशुराम अवतार हुआ। जिस प्रकार श्री सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत पुराण में यह परम पवित्र कथा समझाई है, उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी यह परम पवित्र कथा गाकर भक्तों को सुना दी है। बोलिए परशुराम भगवान की जय। प्रिय भक्तजन, सूरदास जी का परम पवित्र पदान श्रवण करें। ज्यों भयो परशुराम अवतार, कहो सो कथा सुनो चित धार। सहस्रबाहु रविवंशी भयो, सरिता तट एक दिन सो गयो। निज भुज बल तिन सरिता गही, वड़ गयो जल तब रावण कही। निरप तुम हम सो करोल राई, कहो करूं मध्याह्न बिताई। बहरो क्रोधवंत युद्ध चहयो, सहस्रबाहु तब ताको गहयो। बहरो निरप करके मध्याह्न, दीनो ताको साड़ी निदान। फिर नृप यमदग्नि आश्रम आयो, कामधेनु बल करके धायो। परशुराम जब जह सुधि पाई, मार्यो ताही तुरत ही धाई। तासु सुतनी जमदग्नि ही मार्यो, परशुराम रेणुका हंकार्यो। मारे क्षत्री 21 बार, ज्यों भयो
परशुराम अवतार। सुख नृप सौ ज्यों कही समझायो, सूरदास त्यों ही कह गायो। बोलिए परशुराम भगवान की जय। मत सुकुरम ब्राह च नरक सिंह च वामने रामो राम कृष्ण च बुद्ध कल्कि तथे विच। बोल सच्चे दरबार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।